नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं कोई वैसे कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल गुरु नहीं हूं। कई लोग लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि जैसे अभी आरओ में प्री में नहीं हो पाया, यूपीपीसीएस में भी नहीं हो पाया, तो अब क्या करा जाए। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, कई बार जो है आप तैयारी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अब देखिए, मैं सिर्फ इस उस पे बेसिस पे बताऊंगा कि मैं हजारों स्टूडेंट से बात करता हूं डेली, मेरे पास 4-5 हजार मैसेज आते हैं। कई सारे लोग सिलेक्टेड वाले भी होते हैं, कई सारे लोग लगातार जो है नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं। सही राह दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, सिंपल मेरी एनालिसिस यही है कि जब आप तैयारी करते हैं तो पहली बात तो यह है कि भैया आपका यह धर्म है कि जब तक अपना एम ना पालो तब तक लगातार लगे रहो। लेकिन ये नहीं कि ये कई एग्जाम का एम है तो उसके साथ साथ जो उसके पैरेलल एग्जाम होते हैं वो भी देने चाहिए। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस की कर रहे हैं तो बीपीएससी भी दे दो, यूके पीसीएस भी दे दो, आरओ भी दे दो, जहां भी मौका मिले घुस जाओ। सिंपल बात ये, देखो गवर्नमेंट जॉब जो है कम है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, ये नहीं हो सकता है कि 130 करोड़ की जनता में सब गवर्नमेंट करने लगे, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक, मतलब सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी पार्टी आ जाए, सबको जॉब तो कभी ना मिली है ना मिलेगी। तो भैया जो गवर्नमेंट की मान लो वैकेंसी 500 हजार जितनी भी है उसमें घुसना है आपको तो सीरियस होना पड़ेगा। हर एक एग्जाम को निकालने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, एक उनका सिलेबस होता है, उसको समझो बेसिक। अगर आप फेल हो रहे हैं तो पहले अपने आप की खुद की एनालिसिस करो कि आप कहां गलती कर रहे हो। कुछ तो गलती कर ही रहे होगे आप लोग, जो भी नहीं हो पा रहा है मतलब सिलेक्ट, वो कुछ ना कुछ तो गलती है ही, नहीं तो आपके बराबर वाला कैसे हो गया। और एक चीज और है, गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स हैं जैसे पीसीएस वाले, वनडे वाले, लेखपाल, ये सब, इन सब में कोई ऐसा नहीं कि आइंस्टीन का दिमाग अगर नहीं है आपके पास तो हो ही नहीं सकते हो। कुछ चीजें चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, लगातार मेहनत चाहिए, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। फेल होते हो तो कोई बात नहीं, एक एग्जाम का रिजल्ट आया, दूसरा एग्जाम सर पे खड़ा है, तीसरा एग्जाम सर पे खड़ा है, चौथा एग्जाम सर पे खड़ा है, या तो रो लो या तो रोते रहो पूरे दिन। ठीक है, रोगे तो फिर देखो, रोने के लिए सांत्वना आस पड़ोस वाले भले दे दे आपको, कोई रिलेटिव दे दे, घर का दे दे, कोई टीचर दे दे, लेकिन कुल मिला के जिंदगी भैया की लड़ाई जो है वो खुद लड़नी पड़ती है। जिंदगी में कुछ बनना है तो लगातार डटे रहो, फेलियर आएगा, बार बार आएगा। लेकिन हाँ, ये बात मैंने देखी है कि जो लोग इससे लगातार डटे रहते हैं, लगातार अपना लक्ष्य क्लियर रखो, लगातार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। एक चीज और अपनी जिंदगी का उद्देश्य मान लो कि अगर आप किसी चीज की मेहनत पे गए हो तो उससे इनकैश जरूर कर लोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, या तो उसमें सिलेक्ट हो जाओगे, टॉप कर दोगे, या फिर उसको कहीं ना कहीं यूज भी करा जा सकता है। ये जो पढ़ाई में आप पढ़ते हैं जीएस की, जनरल नॉलेज की चीजें, करंट अफेयर, भैया ये एकदम व्यर्थ नहीं जाने वाली है। किसी ने यूपीएससी की, आईएएस, पीसीएस की कहीं भी तैयारी कर रखी है, उसका जो एक बात करने का तरीका है, उसका जिंदगी जीने का तरीका है, चीजों को देखने का तरीका है, बदला हुआ होता है, वो जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जहां तक रही ये यूपी पीसीएस के एग्जाम्स की, पीसीएस की और आरओ की, देखिए आरओ यारो 2022 की वैकेंसी अभी नहीं आई है, शायद हो सकता है कि इस साल के एंड तक आ जाए, लेकिन ये तो है नहीं कि जैसे ही आई आप तुरंत जो है तैयारी कर लोगे। उसके लिए तैयारी चाहिए रेगुलर। 2021 का पेपर आप देख सकते हैं, आरओ का भी और पीसीएस का भी ट्रेंड चेंज होता है। जो लोग इस उधेड़ बुन में फंसे रहते हैं कि ये बुक ले आओ, दो बुक ले आओ, बस खत्म, जमाने गए सर, जमाने गए, 10-10 साल 20-20 साल के घाक बैठे हुए हैं हर जगह, वो लोग के साथ समस्या वैसे यही है। कई लोग देखो आपको बहुत बड़े बड़े जो है वो मिल जाएंगे मठाधीश टाइप के लोग कि भैया ये नहीं होता है, मतलब जबरदस्ती मार्केट में फालतू की बातें फैलाते हैं, इस ऑप्शन से कभी नहीं हो सकता है। अरे घंटा संस्कृत से लोग टॉप कर देते हैं यार, हिंदी से टॉप कर देते हैं, सारे ऑप्शन से होता है, ऑप्शनल अगर आप करते हो। भैया कुल मिला के बात यह है कि उन चीजों को समझो, एनालिसिस करो। यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो आप उसका ऑफिशियल सिलेबस देखिए, पैटर्न देखिए, आरओ में क्या होता है, प्री मेंस, अभी से तैयारी करना चालू करो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको सारी चीजों की प्लेलिस्ट देता है, चाहे वो आरओ 2022 की हो, यूपी पीसीएस 2022 की हो, यूपी पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज हो, लगातार जो हमारे पेड क्विज भी होते हैं उस पर भी वीडियो बना के देते हैं यार आपको। मेन अगर टेलीग्राम आप फॉलो करते हो, सारी चीजें हम आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। मेहनत करो, पेड ग्रुप ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, मन हो तो करो। पेड ग्रुप में एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है कि पीडीएफ फॉर्म मिल जाती है लेटेस्ट अपडेट करके, पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, बीच बीच में वॉइस मैसेज मिल जाते हैं। बात यह है कि आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, आपको जितना एग्जाम में जरूरी है उतना पढ़ना है। दो चीजें हैं, या तो आपको पढ़ के ज्ञानी बनना है, फिलोसफिकल बनना है कि भैया आप जो है ऐसी बातें करो सारी दुनिया लट्टू हो जाए, या तो वो वाला बन लो। ठीक, तो ज्ञानी तो बन जाओगे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में सिलेक्शन के लिए पहली बात, 10 जगह से मत पढ़ो। पीएचडी क्यों कर रहे हो, इनका भी पढ़ लो, उनका भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, और घंटा कुछ नहीं होगा, फिर ज्ञानी बन जाओगे, बस ज्ञान दे सकते हो। कुल मिला के बात यही है, 10 जगह नहीं पढ़ना है, सेल्फ एनालिसिस करो, क्या गलती रह गई, कहां कमी रह गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, थ्योरी नहीं पढ़ पाए, फोकस्ड कंटेंट नहीं पढ़ पाए, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ पाए। मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहो भैया, फेलियर से रुकना नहीं है, रुकना रोने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरा दुनिया उजड़ गई है, मैं कहीं का नहीं रहा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया सब कर लोगे यार, हर आदमी, जो लोग देखो लगातार लगे रहते हैं भैया कर लेते हैं जिंदगी में कुछ ना कुछ। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल बैठा है, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, सबने, बहुत बड़े बड़े लोग हैं सबकी, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं,
ठीक है, बहुत छोटा सा एक यूट्यूब में एडुकेटर हूं, मेरे से कई लोग हैं ऐसे बड़े बड़े, उनकी जो है आप पढ़ सकते हैं। देखिए वो लोग चीजें जो बताते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो चीजों को डिफरेंटली करते हैं, चीजें डिफरेंट नहीं करते हैं, ये वाली चीज को इंप्लीमेंट भी करना होता है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? और सतर्क रहिए, आजकल YouTube में और हर जगह जो है मार्केट में लोग बैठे हुए हैं कि एक एग्जाम के लिए, उनका सिंपल मुद्दा यही है कि देखो आप जैसे आप मान लो नहीं हो पाए, आपकी तरह और भी कई सारे बेरोजगार हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि चलो फिर यूट्यूबर बन जाते हैं, चलो यूट्यूबर बन जाते हैं, चलो टीचर बन जाते हैं। देखिए बनना बिल्कुल सही बात है, अगर मेहनत करके जेन्युइन कंटेंट लाके पूरा जो है उसमें इन्वॉल्व होकर कुछ ऐसा कोई बना पाए कि जिससे सिलेक्शन भी हो पाए। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम क्या करती है कि हम आपको सिलेक्शन मटेरियल देते हैं, हम आपको एग्जाम में पीएचडी नहीं करने देना चाहते हैं, जितना देंगे उतना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं कि दो पढ़ने को नोट दे दो। अरे एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, उनका ऑफिशियल सिलेबस होता है, उसमें मिनिमम चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, आप ऑफिशियल सिलेबस के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस पे नजर रखनी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नजर रखनी होगी, लेटेस्ट में आयोग क्या कर रहा है, जिस भी आयोग की तैयारी कर रहे हो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या चीजें कर रहे हैं। इस समय यूपी का करंट पूछा जा रहा है, नॉर्मल पूछा रहा है, इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का फ्री टेलीग्राम फॉलो करते रहो, सब कुछ वहां पर मिलता जाएगा। और फेलियर से भैया डरने की कोई जरूरत नहीं है। आरओ पीसीएस एक बात और है कि आरओ में मान लो नहीं हुआ जिंदगी का अंत थोड़ी ना है, अरे आरओ नहीं हुआ तो एसडीएम बनकर दिखा दो। कई लोग हुए हैं ऐसे जो बीओ में सिलेक्टेड है, वो उनका नहीं हो रहा था पहले क्लर्क में या जो है कांस्टेबल में, तो आदमी ये थोड़ी ना एक जगह रुक गया, वो सोच लेता कि लो यार मेरा कांस्टेबल नहीं हुआ, क्लर्क नहीं हुआ, मैं जरा सी वो नहीं निकाल पा रहा हूं, फिर मैं किसी ऑफिसर बनूंगा। वो लोग हुए, कुछ लोग इतने निराश होते हैं उनके 10th में 12th में 40% है, किसी के 45%, अब मैं क्या कर पाऊंगा, ग्रेजुएशन में उनके कम नंबर रह गया, अब क्या हो जाएगा। अरे यार ऐसे ऐसे लोग हैं, टीआईजी पढ़े हैं 40-40% वाले, यार जो ये वाले जो एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसमें कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अरे उनके एग्जाम को फॉलो, उनके एग्जाम में परफॉर्म करके दिखा दो, बस खत्म बात। पुराना जो हो चुका है वो बदल नहीं सकते हो, अब जो है वो बदलो। आज से भी अगर आप लग गए, आज से भी ये सोच लिया कि भैया अब मैं बन के रहूंगा, कुछ तो करना है, एक जगह फोकस करो, हर जगह नहीं, मतलब एक जगह का ये मतलब नहीं कि एक ही एग्जाम दो। अरे पीसीएस में कर रहा हूं, थोड़ा बहुत चीजें जो है बदलती है, मान लो यूपी पीसीएस की जीएस पढ़ी आपने, यूके पीसीएस में क्या है तो उसका पैटर्न समझो, उसके लिए हम स्ट्रेटजी देते रहते हैं कि उसमें क्या है, थोड़े जीएस के पॉइंट अलग है, उत्तराखंड की जीएस अलग है, बिहार में क्या है भैया बिहार के थोड़े पॉइंट है, बिहारी स्पेशल मटेरियल है, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर जो कुछ एक्स्ट्रा करके चीजें हो सकती है तैयारी तो करिए, फिर आप लगातार हम सबकी टेस्ट सीरीज आपको देते हैं, बहुत मटेरियल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सिंपल बात यही है कि अगर पढ़ना चालू कर दोगे तो सब हो जाएगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि एक दो दिन देखा बस खत्म। अगर रेगुलर आप पढ़ोगे, आप हमारे यहाँ पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, रेगुलर बना के रखना पड़ेगा, ऑफिशियल के हिसाब से जो चल रहा है उसी के साथ पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, सारी चीजें आपको बताई जा सकती हैं, गाइड किया जा सकता है, लेकिन अगर आप खुद ही जो है हार मान लोगे तो दुनिया में कोई आपको नहीं जिता सकता है, साफ बात ही है। और एक और चीज है कि ज्यादा पॉलिटिक्स में लिबिर लिबिर मत करा करो, ये पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से लड़ा के और जो है अपना खुद जीत जाएंगी, फिर बाद में जब कोई भी बनेगा मुख्यमंत्री उनके स्वागत और उन सब में समारोह में सब लोग आते हैं, ठीक है, आपका कट जाएगा चुतिया। तो भैया इसीलिए अपने अपने रिश्ते, जो आपके बगल वाला है, आपका आस पड़ोस दोस्त है, यार है, रिलेटिव है, वही लोग काम आते हैं। हाँ लेकिन ये भी बात है कि टॉन्ट भी वही लोग मरते हैं, तो जब जब ऐसा फेलियर आए सेल्फ एनालिसिस ये करो। और एक चीज और, अपने रूम में कुछ टांग लो कि भैया इसने मेरी बेइज्जती की थी, एक दिन ऐसा बनना है कि ये मुझसे मिलने को तरसे। ये चीजें मतलब फिल्म देख के तो आप मोटिवेट हो जाते हो, ये चीजें उतारनी पड़ती हैं जिंदगी में, ऐसे नहीं मिलती है सफलता। सीटें अब 400-500 हैं, कैसे हो जाएगा सबका? जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो एग्जाम में जो आया हुआ है रिक्वायरमेंट उसकी समझ के उस तरह तैयारी करेगा उसका हो जाएगा। जो ज्यादा स्मार्ट बनता है कि नहीं मैंने यूपीएससी की जो है 10 साल तैयारी की, मैं मठाधीश हूं, मैंने ये थोड़े हैं, मैंने वो फोड़े हैं, मैंने ये करें, कुछ नहीं होता है, ज्ञानी बने घूमते हैं ऐसे लोग, ठीक। इसीलिए आपको सही गाइडेंस जो दिया गया है अभी तक अगर समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज कुछ लोग क्या करेंगे कि यहां पे जो है कमेंट करेंगे कि इतने बड़े तुम ज्ञानी हो, तुम काहे बन गए, नहीं बन गए। देखो भैया ऐसा है, हमको जो जिंदगी में बनना है वो हम बन गए, ठीक। जहां तक रही एग्जाम निकालने वाली बात, तो हमको निकाल चुके हैं, राजस्थान पीसीएस में भी हम नहीं किए थे ज्वाइन, यूके पीसीएस में भी इंटरव्यू तक गए। अगर बनना, देखो सबके जिंदगी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, मुझे उद्देश्य यह था कि भैया मैं ऐसा कुछ बनूं कि कई लोगों की सफलता में जो है कंट्रीब्यूट कर सकूं, उस तरह से हमको बनना था, हमको यही बनना था, हम यही बनेंगे और हम इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं लगातार। आज हजारों लोगों का होता है, कल जैसे आरओ का एक रिजल्ट आया, अभी तक करीबन 400-500 से ज्यादा मैसेज आ चुके हैं, मैं गिन नहीं पा रहा हूं कि कितने लोग को क्या हुआ है, समझ रहे बात आप। तो मुझे ये बनना था, मुझे आप लोग को बनाना है, और इसमें यह नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना, पैसा तो जरूरत है, पैसे से के बिना कैसे जिंदगी चलेगी, ना हमारी ना हमारे एडुकेटर की ना आपकी, आप भी तो जॉब में पैसे के लिए तैयारी कर रहे हो, फ्री में तो कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए सारी चीजें जो पेड़ में देते हैं उन सब पे वीडियो बनाते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हैं, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो कर लीजिए, प्लेलिस्ट से फॉलो करिए, टेलीग्राम पे फॉलो करिए, फ्री क्विज करिए, अरे हमारे इतने फ्री इनिशिएटिव हैं यार कि आप पूरी तैयारी कर सकते हो। कल जितने मेरे पास मैसेज आए हैं उसमें से करीबन आधे से ज्यादा लोग वो वाले हैं जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कम लोग हैं, अब सब तो नहीं देख पाए, तो सबका हुआ भी नहीं, ये बात थी। नहीं समझ में आई ये बात तो भी कोई बात नहीं, माफी चाहूंगा आपका टाइम खराब करने के लिए, यहाँ पे एक दो कमेंट आप गाली गलौज कर सकते हो या फिर मुझे आप अपनी मेरे ऊपर भड़ास निकाल सकते हो, उससे घंटा होगा कुछ नहीं, मैं अपना काम करता रहूंगा। हमारे जो सीरियस एस्पिरेंट हैं जिन्होंने बात समझ ली वो अपना लगे रहेंगे और उनका होगा सिलेक्शन आगे भी, चाहे किसी की भी सरकार हो चाहे किसी की भी पार्टी हो, फेयर सिलेक्शन का एक परसेंटेज हमेशा होता है और वो बहुत ज्यादा होता है।
ये जो लोग फेल हो जाते हैं ना, बस वही ये सब करते हैं कि इनने वो कर दिया, उनने वो कर दिया। अरे होते हैं सिलेक्शन, लगातार मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।